Hello everyone, this is Deepak and I'm back with a new video and a new chapter. So today the chapter we are going to talk about is chapter 1 from chemistry of class 10th. The chapter name is periodic properties and variation of properties. It is from the ICSC board. Now without any delay, let's get started. So sabse pehle hai introduction part. So introduction mein hum kya janenge ki hum chapter mein kya padhne wale hain, kya important hai aur kya kya cheeze hame dekhni hai aur yaad rakhni hai. एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है. तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज बाय फिजिकल एंड केमिकल. यानी कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी पीरियोडिसिटी के अकॉर्डिंगली क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, हर एक एलिमेंट की अगर हमें याद रखनी हुई तो हम कैसे याद रखेंगे वो. ठीक है, नेक्स्ट है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड देयर वेरिएशन ग्रुप ऑफ पीरियड. हाँ, तो ग्रुप्स के अंदर ग्रुप वाइज कैसे उनको प्रॉपर्टीज होंगी, पीरियड वाइज कैसे प्रॉपर्टीज होंगी उनकी. नेक्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ ट्रेंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज. इसके बाद आते हैं कुछ ट्रेंड. ट्रेंड क्या है कि एक ही ग्रुप के अंदर अगर मान लीजिए कोई ऐसे है अपना ये अगर एक पीरियोडिक टेबल है ठीक है और ये मान लीजिए ग्रुप है, तो इस ग्रुप के अंदर इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी, इस अकॉर्डिंगली इनके बीच में जो ट्रेंडिंग जा रहा है जैसे कि एटॉमिक साइज वो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है ये देखने के लिए, तो इन्हें ही हम कहेंगे ट्रेंड. तो ट्रेंड कौन कौन से होते हैं, एटॉमिक साइज, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेटेलिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सबसे पहले तो इनको हमें डिफाइन करना होगा कि ये है क्या आखिर, और फिर हम देखेंगे इनका ट्रेंड अलॉन्ग ग्रुप्स और पीरियड. नेक्स्ट आता है हमारा पीरियोडिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर फॉर एलिमेंट्स. एटॉमिक नंबर्स के जो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर होंगे उनके बेसिस पे क्या पीरियोडिसिटी होगी, पीरियोडिसिटी. नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अप टू पीरियड थ्री. तो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे कहाँ तक, पीरियड थ्री तक. अब ये पीरियड थ्री क्या है, पीरियड थ्री आप ऐसा कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जो हमने नाइन्थ में किए थे 1 से लेकर 18 तक हमारा पीरियड थ्री खत्म हो जाएगा. अब ये 18 एटॉमिक नंबर किसका है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ऑलरेडी पता होगा, और अगर नहीं भी पता है तो हम वीडियो को जब स्टार्ट करेंगे, चैप्टर को जब पढ़ना शुरू करेंगे तब मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में बताते हुए चलूँगा. आगे आता है पीरियोडिसिटी एंड अदर रिलेटेड प्रॉपर्टीज टू बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर चार्ज एंड सेल्स. तो न्यूक्लियर चार्ज और सेल्स के अकॉर्डिंगली हम उनके प्रॉपर्टीज़ को और भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर में. तो इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका है और अब हम जानेंगे व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई और व्हाई डू वी नीड टू स्टडी ऑफ पीरियोडिसिटी. ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के साथ सिखाऊँ या फिर बताऊँ तो कैसा रहेगा. तो ऐसा सोचिए कि आपकी साइंस की बुक नहीं, चलिए ले लेते हैं हम सिर्फ केमिस्ट्री की बुक या फिर केमिस्ट्री के पार्ट्स. ठीक है, साइंस के अंदर केमिस्ट्री का पार्ट मेरा मतलब है. तो उसके अंदर क्या है कि अब मान लीजिए केमिस्ट्री है, उसके अंदर 4 या 5 चैप्टर होंगे करीब 10th क्लास में, या फिर अगर आपका ICSE बोर्ड है में भी 4-5 से ज़्यादा हो. बट द फैक्ट इज अगर मैं आपको उन 5ों चैप्टर्स को अलग अलग दे रखे, 5 चैप्टर, अगर उनको 5 की जगह पे मैं सब कंबाइन कर दूँ, एक चैप्टर बना दूँ और मैं तुम आपसे कहूँ कि आप यही एक चैप्टर को आपको पूरा पढ़ना है, तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी. ठीक है, अब उस एक चैप्टर के अंदर हमने कार्बन के प्रॉपर्टीज़ को एक साथ कर देंगे, इधर से हम देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिकल इक्वेशन वाला फर्स्ट चैप्टर, तो आपके में तो पीरियोडिक टेबल है ऑब्वियसली सी बात है, लेकिन CBSE बोर्ड में केमिकल है वो भी आपका आएगा आगे चल के. तो अगर मैं सारे चैप्टर्स को एक साथ कर दूंगा तो क्या होगा, कन्फ्यूजन होगी, हद से ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी. और अगर यही सोचे केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स और बायोलॉजी में मैं आपकी कंबाइन कर दूं और ये सब सिर्फ एक ही चैप्टर में हो तो कन्फ्यूजन हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी. तो ऐसे ही इसीलिए उस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए जो बुक्स हैं उसके अंदर चैप्टर्स अलग अलग कर रखे हैं, कैटेगराइज कर रखे हैं कि इस चैप्टर में इतना पार्ट पढ़ा जाएगा, इस चैप्टर में इतना पढ़ा जाएगा, इस चैप्टर में इतना पढ़ा जाएगा. और फिर अगर वो लेवल वाइज भी है, 9th क्लास में इतना ही पढ़ना है, 10th क्लास में उतना पढ़ना है, 11th क्लास में उतना पढ़ना है, तो बेसिकली हर चीज़ को क्लासिफाई कर रखा है. ऐसे ही इसीलिए जब हमारे पीरियोडिक टेबल या एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया था उस टाइम पे, तो वहाँ पर भी हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था, हमारे पास थोड़े ही एलिमेंट्स थे, ज़्यादा नहीं थे, कुछ चुनिंदा एलिमेंट्स थे, तो उनकी प्रॉपर्टीज याद रखना आसान था. अब मान लीजिए मैंने आपको रंग बिरंगी 20 ट्रॉफी दी, ठीक है, सबके अलग अलग रंग है, 20 नहीं चलिए 10 मान लेते हैं, ठीक है 10 मान लेते हैं, सबके अलग अलग रंग के रैपर है. अब अगर सबके अलग अलग रंग के रैपर हैं तो क्या होगा, मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपको कहता हूं कि आज मैंने आपको दिया, कल मैं आपके पास आके बोलता हूं कि मेरे को उन सबके कलर के नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे,
आप क्या करेंगे, रात भर में उसको बैठ के याद कर लेंगे या फिर दिन भर में आराम से देखेंगे उसको, हाँ ठीक है याद हो गया अभी। लेकिन यही अगर मैं आपको 100 टॉपिक के रेफर दे दूँ, ठीक है 100 टॉपिक या 200 दे दूँ, बहुत ज़्यादा दे दूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ब्लू कलर के होंगे उसको अलग कैटेगराइज करेंगे, येलो वाले अलग होंगे, रेड वाले अलग होंगे, उसके बाद आप उनको काउंट करके रखेंगे, हाँ 10 ब्लू के हैं, 9 रेड के हैं, 4 हमारे येलो के हैं, ऐसे ऐसे करके कैटेगराइज कर देंगे, क्लासीफाई कर देंगे। उससे क्या होगा, आपको याद रखने में बहुत ही आसानी होगी, चाहे मैं आपको 100 दूंगा चाहे 200 दूंगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारे आंसर की। तो व्हाई डू वी नीड टू स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिसिटी। तो बिफोर 18th सेंचुरी ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स वर नोन। 18th सेंचुरी से पहले सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स जाने जाते थे। इट वॉज क्वाइट ईजी टू रिमेंबर द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच एलिमेंट इंडिविजुअली। तो यह क्या होता था, बहुत ही आसान होता था उनकी प्रॉपर्टीज को याद रखना कि कौन सा एलिमेंट कौन सी प्रॉपर्टीज को बताता है, अलग अलग हम आराम से बता पाते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड दे फेल्ट द नेसेसिटी टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स इन ग्रुप विद द सेम प्रॉपर्टीज। विद द पैसेज ऑफ टाइम का मतलब है यहाँ पर जैसे जैसे टाइम हमारा बढ़ता गया तो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने डिस्कवर किए बहुत सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टाइम बढ़ता गया, लोग एक के ऊपर एक काम करते गए, अब ऐसा आज की डेट में भी साइंटिस्ट जो है नए नए एलिमेंट्स को ढूंढ ही रहे हैं। इसीलिए अभी हम आगे जानेंगे कि जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर भी हमने गैप छोड़ा हुआ है कि जब भी कोई उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट हमें इन फ्यूचर में जब मिलेगा तो हम उसको उस जगह पर फिक्स कर देंगे पीरियोडिक टेबल में। तो नेसेसिटी टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स। तो जैसे ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें मिलते गए, हमें लगता गया, हमें ज़रूरत पड़ती गई एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की, किस में, ग्रुप्स में, सेम प्रॉपर्टीज़। तो जिनकी सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको सेम ग्रुप्स में हम डालते गए। जैसे मैंने अभी आपको बताया टॉफी वाला एग्जाम्पल, देखिए जिनका सेम कलर है आप उनको एक साथ रख देंगे। ठीक है, आगे आता है नीड फॉर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की जरूरत या फिर क्लासीफाई करने से क्या क्या फ़ायदे हुए, ऐसे हम कह सकते हैं क्या क्या हुए थे। पहला तो ये हेल्प्स टू स्टडी एलिमेंट्स इन अ बेटर वे। हम बहुत ही अच्छे तरीके से एलिमेंट्स को पढ़ सकते थे, हम एलिमेंट्स बता सकते थे कि कौन सा एलिमेंट। अब मान लीजिए मैं आपको फटाफट कहता हूँ कि सोडियम कौन से ग्रुप में होगा, तो आप अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद होगी तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि सोडियम हमारा ग्रुप 1 में होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने उसको ग्रुप 1 के अंदर रखा हुआ है। उसके आप जाएंगे सीधे एटॉमिक नंबर पर जाएंगे, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद वैलेंसी देखेंगे। और मैं जो बोल रहा हूँ आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते जाएंगे आगे, कोई बात नहीं अगर नहीं आ रहा है तो वैलेंसी के थ्रू हम आराम से बता सकते हैं कि कौन से वो ग्रुप में होगा। बेसिकली कहने का मतलब यह है एलिमेंट को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया, बहुत ही तेज़ी से हम काम कर सकते हैं। इट कोरिलेट्स द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स विद सम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जो उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आप देखेंगे जब हम और ज़्यादा अभी आगे चल के उसको पढ़ेंगे तो कुछ एलिमेंट्स के जो बेसिक प्रॉपर्टीज़, सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं, सारी प्रॉपर्टीज़ एक हो भी नहीं सकती सारे एलिमेंट्स की, लेकिन जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे। डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स। तो अलग अलग एलिमेंट्स में क्या क्या उनके बीच में रिलेशनशिप होगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों से क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ हो सके तो उसको साथ साथ लिखते हुए चलिए, क्योंकि मैं चाहूँ तो आप लोगों को डायरेक्ट बता सकता था बिना फेस दिखाए क्या करना होता है। उसमें सिर्फ वीडियो बनानी होती, मैं आपको ऑलरेडी जो लिखा हुआ है आपकी बुक्स के अंदर उसको रिकॉर्ड करता, मैं वॉइस बोलता, काम हो जाता। लेकिन लिखने से क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, तो आप साथ में लिखते रहेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और जहाँ पर आपको समझ में ना आए या फिर जो भी वर्ड या जो भी टॉपिक आपको समझ में ना आए उसको आप तुरंत के तुरंत वहीं पे मार्क कर सकते हैं, ताकि उसको कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ आपको ये वाला टॉपिक या फिर ये वाला वर्ड बकायदा वो समझ में नहीं आया, तो मैं आपको उसको अगली क्लास में दोबारा से बता दूंगा। तो हो सके तो नोट्स बनाइए, साथ में लिखते हुए चलिए। और अगर राइटिंग समझ में नहीं आती है तो मैं इसीलिए रीड भी करता हूँ साथ में, ताकि आप उसी टाइम पर उस चीज़ को लिख सकें। क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो आपको और भी आसानी से सिर्फ आपको पीछे और आगे करके उसको लिखना और सुनना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक और चीज़ जो मैं ये बताने वाली थी यहाँ पे कि चैप्टर के अंदर सिलेबस में जो स्टार्टिंग है, जो आपके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे वो आएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से या फिर मेंडलीव से आ सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री पढ़ने का मतलब क्या है, हिस्ट्री अगर हमें पता होगी तो ये समझ लीजिए हिस्ट्री जो है इंपॉर्टेंट होती है हमारे प्रेजेंट के लिए। ठीक है, अगर हमें पता रहेगा एलिमेंट्स कहाँ से आए हैं तो हमें ये पता रहेगा कि हम जो भी पढ़ रहे हैं आज की डेट में, चाहे वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो या फिर हमारे कोई अदर सब्जेक्ट, वो क्यों पढ़ रहे हैं, और उसको पढ़ने में भी हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है।
इसलिए सबसे पहले हम थोड़ी देर हिस्ट्री पढ़ेंगे, 10-15 मिनट की वीडियो होगी। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं अपनी तरफ से प्रेफर करूँगा कि आप हिस्ट्री जान लीजिए। तो जितना इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री में, मैं सिर्फ आपको वही चीज़ बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द एंशियंट ग्रीक्स देयर वॉज अ फोर एलिमेंट थ्योरी, ठीक है, देयर वॉज अ फोर एलिमेंट थ्योरी। तो सबसे पुराने टाइम पे जो ग्रीक थे उन्होंने फोर एलिमेंट थ्योरी निकाल दी। अब ये फोर एलिमेंट थ्योरी क्या है, जिसके अंदर ऑल एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ फोर एलिमेंट्स। जैसे कि हमारे उसमें भी बोला जाता है ना कि हमारी ये जो बॉडी है वो पांच तत्वों से मिलकर बनी है, तो ऐसे ही पुराने टाइम में जो ग्रीक्स थे उन्होंने एक फोर एलिमेंट थ्योरी निकाली थी। और उन्होंने ये कहा था जितने भी एलिमेंट्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन एनिमल और वट एवर इट इज, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किससे बने हैं, पांच एलिमेंट्स या फिर पांच तत्वों से, चार से, कौन कौन से, अर्थ, एयर, फायर और वाटर। तो एक रह गया जो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, पांचवा तत्व, वो कौन सा था, तो आप मेरे को बताइए वो कौन सा था पांचवा तत्व जो इसके अंदर इंक्लूड नहीं हुआ था उस टाइम पे, या फिर कह सकते हैं कि उस टाइम पर डिस्कवर नहीं हुआ था। अगर आपका आंसर स्पेस है तो बिल्कुल ठीक है। तो जो फाइव एलिमेंट्स आज की डेट में हम जानते हैं वो कौन से हैं, अर्थ, एयर, फायर, वाटर एंड स्पेस। इसके बाद आए एंटोइन लेवाशियर या लेवाशियर, जो भी नाम था उनका। तो ये आए थे 1789 में, ठीक है, 1789 में इन्होंने हमें क्या बताया, ही मेड अ लिस्ट ऑफ 33 एलिमेंट्स, कि इन्होंने क्या बनाया कि 33 एलिमेंट को इन्होंने डिस्कवर किया उस टाइम पे, और उन 33 एलिमेंट्स को इन्होंने कैटेगराइज किया, डिवाइड किया किसमें, पांच क्लासेस में, फाइव क्लासेस में इन्होंने क्या किया, उसे डिवाइड किया। अब वो पांच क्लासेस कौन कौन से थे, पहली थी लाइट एंड हीट, लाइट एंड हीट। सेकेंड थी थ्री गैसेस थी सेकेंड क्लास के अंदर, कौन कौन सी, N2, O2 और H2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसके अलावा और कोई गैस जो थी वो डिस्कवर नहीं हुई थी। 17 उसमें मेटल्स थे, 5 उसमें अर्थ थे। अर्थ से क्या मतलब है, जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्पेस वाले। आगे आता है 6 नॉन मेटल्स भी थे उसके अंदर। तो ये सारे टोटल मिला के हमारे कितने हो गए थे, 33 एलिमेंट्स जो इन्होंने कहा। लेकिन ये भी जब इन फ्यूचर में और ज़्यादा डिस्कवरी हुई बाय साइंटिस्ट, अलग अलग लोगों ने और ज़्यादा डिस्कवरी की एलिमेंट्स की, तो उन्होंने ये पाया कि इनकी जो थ्योरी थी वो एक्सेप्टेबल नहीं थी, उसे एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते थे। अब क्यों नहीं कर सकते थे, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है बिल्कुल भी। जैसा कि मैंने बताया हिस्ट्री पढ़नी है, लेकिन जितनी ज़रूरी है उतनी पढ़नी है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं नॉट एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल, वैसे तो एक्सेप्टेबल क्यों नहीं हो गई आपको अभी खुद ही पता चली जाएगा जब हम और ज़्यादा एलिमेंट्स को, क्योंकि डिस्कवरी होती गई तो प्रॉपर्टीज वगैरह उनकी वेरिएशन जैसे जैसे होती गई उसके अकॉर्डिंगली उसको एक्सेप्ट तो होगी नहीं, ये चीज़ तो पक्की बात है, ठीक है। तो डबर्नियर ट्रेड्स कब आया था, 1829 में, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो इस ट्रेड में क्या हुआ था कि अगेन सिमिलर एटम्स इन अ ग्रुप ऑफ थ्री, इसने तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, अरेंज सिमिलर एटम इन अ ग्रुप ऑफ थ्री, ग्रुप तीन का ग्रुप बनाया, एंड शोड दैट द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट, बीच वाले एलिमेंट है ना उसका जो एटॉमिक वेट था, या फिर कह सकते हैं एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट, बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट अर्थमेटिक मीन था किसका, अदर टू का, जो उसके बाकी के दो एलिमेंट्स थे। तो हम डायरेक्ट कर ही लेते हैं, इतनी कहानी क्यों गाना, तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था ना, तो हम क्या लेते हैं एल्कली ग्रुप, कौन सा ग्रुप, एल्कली मेटल ग्रुप। अब ये एल्कली मेटल ग्रुप कौन सा है, जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है ना ऐसे करके, ऐसे होती है वैसे तो, तो यहाँ पर दो होते हैं ग्रुप, एक ये और एक ये, तो ये वाले जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं एल्कली ग्रुप, और जो ये सेकंड ग्रुप है इसको हम बोलते हैं एल्कलाइन ग्रुप, ठीक है। जो सबसे पहला वाला ग्रुप है वो एल्कली ग्रुप है, जो सबसे सेकंड वाला ग्रुप है वो एल्कलाइन ग्रुप है। ऐसे हर ग्रुप के नाम रखे हुए हैं, लेकिन एल्कली और एल्कलाइन की बात हम ज्यादा करते हैं। और लास्ट वाला जो ग्रुप है ये हमारा है नोबल गैस का ग्रुप, ठीक है, स्टेबल ग्रुप, नोबल गैस वगैरह वगैरह, जो भी बोलना है बोल दीजिए, वगैरह वगैरह नहीं बोलना, नाम है उसका। तो एल्कली मेटल ग्रुप जो सबसे पहला ग्रुप है ना, उसके अंदर अगर मैं पहले तीन एलिमेंट्स की बात करूँ, क्योंकि उस वक्त ज्यादा एलिमेंट्स तो हमारे डिस्कवर नहीं हुए थे, तो जितने हुए थे उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो पहले अगर तीन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं उसमें,
लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। तो इन्होंने कहा है एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम, एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम क्या है, किसी को पता है ना कैसे निकलता है? अरे यार अगर नहीं पता होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। हाँ पता है, यहाँ सारे समझदार हैं, लेकिन फिर भी जिसको नहीं पता उसके लिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, डॉट डॉट डॉट, ऐसे। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊँगा, बाकी आप खुद को भी, मतलब आपको खुद पढ़ना होगा, और इन सब की वीडियो 9th क्लास की वीडियो मेरे को बनाना स्टार्ट करना होगा, लेकिन अभी उसकी कोई पर्टिकुलर रिक्वेस्ट नहीं आई है तो फिर पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3। यहाँ पर मैं एटॉमिक नंबर की बात कर रहा हूँ, तो एटॉमिक नंबर ऐसे नंबर वाइज हो जाएंगे। एटॉमिक वेट क्या होता है जल्दी देख लेते हैं। लिथियम का जो एटॉमिक मास क्या है, 7 है, डबल नहीं है। रीजन बताऊंगा बाद में, एक ट्रिक बता दूंगा एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर जल्दी से कैसे याद होगा। हाँ तो लिथियम का एटॉमिक वेट कितना है, 7। अब के की बात करते हैं, एटॉमिक वेट ऑफ पोटेशियम कितना है, बोलो 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 बोलो, एटॉमिक वेट ऑफ पोटेशियम कितना है? नहीं पता, एटॉमिक नंबर बताइए जरा पोटेशियम का, अगर नहीं पता है तो। एटॉमिक नंबर क्या है पोटेशियम का, 19। 19 का डबल कितना होता है, 38, प्लस 1 इज 39, तो ये कितना हो जाएगा, 39, ठीक है। तो अब अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन जिसको नहीं निकालना आता है यार, वो तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ ना, अभी मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ, मैथ भी तुम्हारी क्लास ले, दिक्कत हो जाएगी। अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है, अर्थमेटिक मीन 7 प्लस 39, और उनको डिवाइड कर देना है 2 से, नंबर्स प्लस करके डिवाइड कर देना है 2 से, तो हमारा अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा। तो 39 प्लस 7 कितना हो गया, 1 इसको दिया 46 डिवाइडेड बाय 2, इससे ये कटा, बचा कितना, 23। तो एटॉमिक वेट ऑफ Na यानी कि सोडियम कितना आएगा, 23। और ये तो सबको पता है कि एटॉमिक वेट जो सोडियम का होता है वो 23 होता है, ठीक है। एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम क्या होता है, 23। एक हल्की सी ट्रिक देख लीजिए, ये जो ट्रिक है सिर्फ 20, 1 से लेकर 20 तक, 1 to 20 एटॉमिक नंबर यहाँ लिख लेते हैं, एप्लीकेबल ऑन 1 to 20 एटॉमिक नंबर एंड 1 to 20 एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स, 1 से 20 तक ये काम करेंगे। कैसे, मान लीजिए जो भी हमारा एलिमेंट है, ठीक है, कोई सा भी हो, यहाँ लिख लेते हैं एलिमेंट, ठीक है। अब अगर इवन है वो एटॉमिक नंबर उसका, क्या एटॉमिक नंबर इवन है, तो उसका जो एटॉमिक मास होगा, जो उसका एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा, 2x होगा, यानी कि उसका डबल होगा इवन नंबर। जैसे कि मान लीजिए मैं को इवन नंबर्स वाले अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूँ, कौन कौन सा होगा, 2, 4, 6, 8, 10, उसके आगे और भी आप कर सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ, 2 पे क्या आता है, हीलियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नियॉन, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें देखिए इनका एटॉमिक नंबर, 2 2 जा 4, इसका कितना हो जाएगा, 4 2 जा 9, क्यों, इसमें मतलब इसी कहानी में ना एक्सेप्शनल भी है, एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं जिनको आपको याद करना है। अब यार इतना तो याद कर ही सकते हो ना, कौन कौन सा, बीई, बेरिलियम, आर्गन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये 4 जो हैं ये एक्सेप्शनल केस हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा, बाकी सब में ये रूल जो मैं बताने वाला हूँ ये अप्लाई होता है। अच्छा अगर मान लीजिए ये ऑड नंबर में है, तो ऑड वाले के जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा, 2x+1 कर देना, हो जाएगा। बेरिलियम के बाद मान लीजिए कार्बन का क्या है, 6 6 2 जा 12, ऑक्सीजन का क्या है, 8 8 2 जा 16, 10 का 2 जा 20, ऐसे आप सबका निकाल सकते हैं, जल्दी जल्दी निकल जाएगा। अगर मैं इन्हीं को क्या करूं, ऑड वाला देख लेते हैं जल्दी से, कौन कौन से, 3 से स्टार्ट करते हैं, 1 तो हाइड्रोजन होता है उसका मैंने बताया एक्सेप्शन है, 3 5 7 स्पीड में करेंगे। थर्ड किसका है, एच है,
CN। अब यहाँ पे नाइट्रोजन भी आ गया, वो भी एक्सेप्शनल है, चले कोई नहीं, अब तो आ चुका है। तो 2x plus 1 का मतलब क्या है, 3 2 6 plus 1 7 होगा, 5 2 10 plus 1 11 होगा, 7 2 14 plus 1 15 होना चाहिए, लेकिन होता कितना है 14। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा सिर्फ इन चारों को आपको याद रखना है, बाकी सब में रूल आप लगा लीजिए, एटॉमिक मास निकालना आसान हो जाएगा, याद करने की झंझट खत्म। ये आपको कहां तक यूज होंगे, 1 से लेकर 20 तक यूज होंगे, और इस क्लास के अंदर जो 10th क्लास है उसके अंदर आपको 20 तक ही करने हैं, तो इस साल का तो आपका निकल जाएगा। आगे आप जब 11th क्लास में जाएंगे तो आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वही दूसरी तरीके से याद करनी पड़ेगी, 1s2 2s2 2p6 करके, वो फ्यूचर के लिए छोड़ देते हैं, अभी फिलहाल जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, और इस तरीके से आप अपना एटॉमिक मास चुटकी बजाते ही निकालिए। डोबर्नियर्स का जो ट्रेड था वो भी एक्सेप्टेबल नहीं था। अब एक्सेप्टेबल क्यों नहीं था, तो उसमें भी आप लिख दीजिए सिंपल वर्ड्स में, तो अगर गलती से बाई चांस आ भी गया तो आप सिर्फ इतना लिख दीजिएगा नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज सारे एलिमेंट्स पे ये रूल नहीं एप्लीकेबल हो रहा था। यानी कि स्टार्टिंग में तो ठीक चल रहा था कि एल्कलीन मेटल पे चल गया, एल्कलाइन पे चल गया, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे ना तो वहाँ पे इनको प्रॉब्लम होने लगी, वहाँ पे जो ये इनका तीन का ग्रुप बना के चल रहे थे वो रूल नहीं एप्लीकेबल हो पा रहा था। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आया न्यूलैंड्स का ऑक्टेट रूल। कौन सा आया था, न्यूलैंड्स का ऑक्टेट रूल, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट्स। तो न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव आया। इससे पहले हम समझ लेते हैं ये ऑक्ट का मतलब क्या है। तो ओ सी टी ओ ऑक्ट, ये है क्या एक, दिस इज अ लैटिन वर्ड फॉर एट। ठीक है, ऑक्टो ऑक्टा ऑक्टा या जो भी बोलते हैं उसे, ठीक है, ऑक्टो ऑक्टा वो जो है क्या है, लैटिन वर्ड है एट का, इसका मतलब क्या होता है आठ। अच्छा ये हो गया, ठीक है, लैटिन वर्ड है एट का। अच्छा इसी से अक्टूबर से आपके दिमाग में जरूर एक बात आ रही होगी, अक्टूबर, नॉलेज तो नॉलेज है, अक्टूबर, अक्टूबर जो है अब दिमाग में क्या आ रहा है कि अक्टूबर जो है वो हमारा कौन सा मंथ है, 10th मंथ है, लेकिन अब ये तो आता है हमारा 10वां महीना है अक्टूबर। अभी मैंने क्या बोला कि लैटिन वर्ड ऑक्टो जो है वो किसका है, 8 के लिए होता है, तो कन्फ्यूजन जरूर हो रही होगी, अगर ये 8 के लिए है तो अक्टूबर को तो 8वां महीना होना चाहिए था, 10th क्यों है। तो इसका आंसर सिंपल है कि अगर हम रोमन कैलेंडर को देखें, किसको, रोमन कैलेंडर को, रोमन कैलेंडर क्या है, यहाँ लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू रोमन कैलेंडर, रोमन कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो हमारा ईयर स्टार्ट होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रोमन कैलेंडर ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम मार्च, तो जो साल हमारा जो स्टार्ट होता है ना, ये आजकल की तरह न्यू ईयर जो जनवरी से स्टार्ट होता है वो नहीं है, वो अमेरिका वगैरह में होता होगा कहीं और, या वहीं पर होता है और कहाँ होगा। तो अगर रोमन कैलेंडर की मैं बात करूँ उसके अंदर उन कैलेंडर्स में मार्च से स्टार्ट होता है, जो हमारे 365 डेज का ये रिवॉल्यूशन या 365 डेज का ये साइकिल होती है, ठीक है, जो पूरा का पूरा साल होता है वो मार्च से स्टार्ट होता है। अगर आप मार्च से देखेंगे तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर आगे 8 पे, तो ये मार्च से स्टार्ट होता है, तो ये क्या बन जाता है, अक्टूबर जो है वो 8 महीना मतलब 8वां महीना होता था, बट जो ये रोमन कैलेंडर है ये 153 BC में क्या हुआ, चेंज्ड हो गया, 153 BC में यह चेंज हो गया, चेंज होकर अब जो नया साल मनाया जाता था या फिर न्यू ईयर जो बनता था वो हमारा जनवरी में होने लगा, जिसकी वजह से अक्टूबर जो है वो 10th नंबर पर आ गया। लेकिन आज भी अगर हम बात करें अगर अपने इंडियन कैलेंडर की या नेशनल कैलेंडर कह लेते हैं, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि जो नेशनल कैलेंडर है, क्या नेशनल कैलेंडर कहाँ से, फ्रॉम साका ईरा, ये एक ईरा था, साका ईरा बोल सकते हैं, उसके अंदर जो नेशनल कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग हमारे आज भी आप देखेंगे तो हिंदू कैलेंडर आप कह लीजिए चाहे कोई भी कैलेंडर कह लीजिए, उसके अंदर भी क्या है कि जो नया साल हमारे स्टार्ट होता है वो मार्च से स्टार्ट होता है, पर्टिकुलर एक मार्च से स्टार्ट नहीं होता, वो स्टार्ट होता है चैत्र के महीने से। कौन सा महीना, चैत्र का महीना। अब ये चैत्र का महीना क्या होता है, देखिए एक गाना है मेरे को याद है जो वो है नवरात्र आते हैं ना तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बसता है, दिल्ली में तो बसता है, बाकी के स्टेट्स में मेरे को कोई आइडिया नहीं है। एक गाना है चैत्र महीना और अश्विन में आते माके नवरात्र, तो उस गाने को आप अगर देखें तो एक आता है चैत्र महीना और अश्विन का महीना, अश्विन का महीना, तो इतना तो मेरे ख्याल से सबको पता है कि जो चैत्र का महीना इसके अंदर नवरात्र आते हैं और अश्विन के महीने में आते हैं। अगर आपको हिंदी कैलेंडर जो है उसके अकॉर्डिंग नहीं पता चैत्र और अश्विन किसे बोलते हैं, तो चैत्र आपको ये तो पता ही होगा, नवरात्र जो है हमारे मार्च में आते हैं और अक्टूबर में आते हैं, मार्च में आते हैं और अक्टूबर में आते हैं। तो सबसे पहले चैत्र महीना कौन सा हुआ, मार्च का महीना। अब इसी से आप देख सकते हैं कि चैत्र जो है यहां से हमारा नया साल स्टार्ट होता है, और इसकी अगर मैं डेट स्पेसिफिक बात करूं तो डेट होती है 22 मार्च 1957 से ये स्टार्ट हुआ था, तो चैत्र का महीना यहां से हमारा 365 डेज की जो साइकिल होती है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें अक्टूबर जो है वो कौन सा महीना होगा, 8वां महीना होगा।
ठीक है। तो ये पूरी कहानी जो थी वो किसके ऊपर थी, सिर्फ इसी के ऊपर। अक्टूबर जो है वो ऑक्ट जो है वो एक लैटिन वर्ड है किसके लिए, एट के लिए। ओके अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं और न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ते हैं फटाफट और इस वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है। तो न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है 1866 में आया था। इसके अंदर क्या हुआ था, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एवरी एट एलिमेंट हैज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट जस्ट लाइक द एट नोट्स ऑफ एन ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक। यानी कि अगर मान लीजिए मैं ऐसे लिखता हूँ एलिमेंट्स, ऐसे चलता चले जाएगा। मान लीजिए ये हमारा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट इतना, ठीक है। तो इसने ये कहा था कि जब एलिमेंट्स को हम अरेंज करेंगे इनके कैसे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के थ्रू, ठीक है। इनके एटॉमिक मास के थ्रू मैंने इनको मान लीजिए अरेंज कर दिया है, तो एवरी एट एलिमेंट हैज अ प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट। तो पहले के जो मान लीजिए ये मेरा पहला एलिमेंट है, इसके और इसके बाद जो आठवां एलिमेंट है ना, इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, एक जैसी होंगी। चाहे आप इसको लीजिए, अगर ये मेरा पहला है तो आठवां ये पड़ेगा, ये पहला है तो ये आठवां पड़ेगा, ये पहला है तो ये आठवां पड़ेगा। दोनों की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, एक जैसी होंगी, लिथियम और अपने सोडियम मिस्टर की। ऐसे ही बेरिलियम और मैग्नीशियम की एक जैसी होंगी, बोरोन और एल्युमिनियम की होगी, कार्बन सिलिकॉन की, नाइट्रोजन फॉस्फोरस की, ऑक्सीजन सल्फर की। ऐसे पहले और जो उससे उसके बाद जो आठवां एलिमेंट आता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, एक जैसी होंगी। ऑफ जस्ट लाइक द एट नोट्स ऑन एन ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक, जैसे हमारे म्यूजिक के ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक क्या है, सारे गामा पा दा निशा वाला, तो वही गेम है यहाँ पे भी। अगर ये है तो सारे गामा पा दा नी और फिर वापस से साफ ही पहुँच गए, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। तो ये मेरा न्यूलैंड्स ऑक्टेट ऑफ रूल था। और मज़ेदार बात यह है कि ये भी एक्सेप्टेबल नहीं था। अब ये एक्सेप्टेबल क्यों नहीं था, क्योंकि सी ए क्या है मेरा, कैल्शियम। इसके बाद जो हमने क्या देखा कि एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी नेक्स्ट वाले एलिमेंट से मैच नहीं कर रही, तो कैल्शियम के बाद ये जो था ना, जितने भी एलिमेंट्स आ रहे थे उन पे ये रूल हमारा जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। किसके बाद, कैल्शियम के बाद। तो इसलिए ये भी हमारा जो ये इसने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी, पीरियोडिसिटी बताई थी, वो कैंसिल होगी। और फिर उसके बाद हमारा आया एक और नया रूल, जिस रूल का नाम था मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। और यहाँ तक ये कह सकते हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अगर देखो, मतलब पूरे तरीके तो नहीं, लेकिन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल से थोड़ी बहुत हेल्प मिली हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने में। जैसे इन्हीं सब में आप देख लीजिए, अगर डोबेनियस जो ट्रेड था, सबसे पहले वाला ट्रेड था, उसकी मदद लेकर थोड़ा बहुत उनकी मदद ली होगी, तभी ये अगले बंदा भी आया, ठीक है। उस अगले बंदे की मदद लेके उसका अगला बंदा आया था, उसके अगले बंदे की मदद लेके उसका अगला बंदा। जैसे कि मान लीजिए आप ही है, आपने एक होमवर्क किया, अब आपने अपना होमवर्क किसी और बच्चे को दिया, लेकिन किसी बेवकूफ़ बच्चे को नहीं, जिसने बस कॉपी का कॉपी कर लिया और फिर मैम को दे दिया, मैम ने दोनों को पीट दिया। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, आपने होमवर्क किया, आपने अपने फ्रेंड को दिया, उसको कहा कॉपी मत करियो, लेकिन उसको और ज़्यादा अच्छे से अपग्रेड किया। तो उसने क्या किया, आपका होमवर्क लिख तो रहा है लेकिन वो उसको साथ साथ समझ रहा है और अपनी अलग लैंग्वेज में लिख रहा है, ठीक है। और अगर आपने कुछ गलतियाँ की हैं वो उसको भी सुधार रहा है। तो यही काम होता है साइंटिस्ट में। जो हमारा रूल, जैसे कि मान लीजिए न्यूलैंड्स ने जो ये निकाला था उसके अंदर देखा कि ये गलतियाँ हो रही हैं न्यूलैंड्स ने, मतलब जो मेंडेलीव था उसने देखा ये चीज़ें गलती हो रही है, तो मेंडेलीव ने क्या किया, उन करेक्शन को भी ठीक किया। अब ठीक करने के बाद उसने एक नया टेबल बनाया और उनको इम्प्रूवाइज किया। अब इम्प्रूवाइज कैसे किया ये हम चेक करते हैं मेंडेलीव के बारे में।